हाँ यहाँ पे। भव्या को तो मैंने हैंडल कर लिया, अब वो आपकी बारी है। मतलब चुलबुल भाभी बाहर ही है, बुला रही है। बाहर या हाँ तो ठीक है ना, मैं देख कर आता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा सुन, किसी को कुछ बताना मत। हाँ आई नो ही नोज। क्या हुआ? मैं आपसे कुछ बात करूं। तो यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे बात कर। हाँ हाँ मैं बिजी हूँ, बाद में नहीं बात कर सकते। अरे पर आप इतने किस चीज में बिजी हैं? काम में बिजी। ओह पर काम तो रुद्र कर रहा है ना। आप दोनों क्या कर रहे हैं? हम दोनों भी काम कर रहे हैं। पर ऐसा कौन सा काम है जो आप तीनों मिलकर कर रहे हैं? काम रुद्र ही कर रहे हैं, लेकिन रुद्र से काम निकलवाना खुद में एक काम होता है, राइट? हम तो ये जानते हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम रुद्र से काम निकलवा रहे हैं। अच्छा पर ऐसे दरवाजा बंद करके सबसे छुपा के क्या करें? गॉड, ये दोनों इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? थैंक गॉड अनिका भाभी नहीं है, वरना 50 सवाल तो वो अकेली पूछ लेती। छुप कर तो कोई गैर कानूनी काम ही होता है। हम क्रिमिनल नहीं है, राइट? एक्चुअली तबीयत खराब है। कहाँ गया आपकी तबीयत को? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शिवाय की तबीयत खराब है। शिवाय की तबीयत खराब है? शिवाय को क्या हुआ है? बुखार हुआ है? उसने आइसक्रीम खाई थी? गला खराब है क्या? बताओ ना क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? भाभी, मेरी प्यारी भाभी, एक मिनट। जल्दी। ये केस तो पेचीदा होता जा रहा है। आपको पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। रुद्र कह रहा है कि वो काम कर रहा है और ओमकारा भैया कह रहे हैं कि शिवाय भैया बीमार है। आई एम श्योर कि ये दोनों झूठी गवाही दे रहे हैं। शिवाय, शिवाय दरवाजा खोलिए, आप ठीक हैं? अरे यार कुछ भी बोल देता, ये क्यों बोला कि मेरी तबीयत खराब है? मुझे वो काढ़ा पीना पड़ेगा। तो क्या करता? मुझे और कुछ सूझा नहीं। अनिका भाभी वही हैं, ये मुझे पता नहीं था, तो क्या करता? शिवाय, शिवाय मुझे चिंता हो रही है, आप ठीक हैं क्या? आपका शिवाय दरवाजा खोलिए ना। अब क्या करें? हम क्या करेंगे? अब जो करेगा शिवाय करेगा। अच्छा सुन, आई नो, मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है, नहीं? करेक्ट। ए, मेरे से सीखे। चुप कर। मेरे से सीखे। शिवाय आप ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काढ़ा नहीं पीना है। लेकिन अभी ओम ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ वो ठीक नहीं थी, पर आई एम फीलिंग मच बेटर। अब वैसे अंदर चलते हैं। तुम्हें जानना जरूरी है कि अंदर क्या चल रहा है। बाल बना रहा हूँ मैं। आप बता देंगे तो आपकी हाइट कम हो जाएगी क्या? Don't you go there, okay? अच्छा ठीक है, तो बताइए अंदर चल क्या रहा है? क्यों क्यों तुम मुझे पहले बताओ, तुम लोग, तुम तीनों, तीनों तुम तीनों यहाँ, तीनों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खत्म हो गया सवाल। हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर चल क्या रहा है। कुछ नहीं। और वैसे भी अगर कुछ चल भी रहा है तो मेरा तुम्हें बताना कोई जरूरी नहीं है, ओके? जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस। एक मिनट, मैं कह रही हूँ पक्का कुछ झोल चपाटा चल रहा है, कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। ऑब्वियस बात है ना, छुपाना पड़ेगा जब तक कि सच पता ना चल जाए। एक तो ये बच्चा, ऊपर से एक कार्ड जिसमें लिखा है कि हम तीनों में से एक इस बच्चे का बाप है। अनिका भाभी की लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत बड़ा वो फैल गया है। रायता? हाँ। और अगर घर वालों को या बाहर किसी को भी पता चल गया ना तो हमारी तो वो अनिका भाभी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो हो जाएगी। टाटा फिश। मुझे लगता है यार कोई बिजनेस ट्रैवल इसके पीछे, कोई हमें बदनाम करना चाहता है। सुल्तान? नहीं, कोई बिजनेस राइवल है जो चाहता है कि हमारे स्टॉक प्राइसेस गिर जाएं। या कोई पुराना दुश्मन भी तो हो सकता है। लेकिन जो भी है, जब तक हम सच का पता लगा ना ले, ये बात हम तीनों में ही रहनी चाहिए। I agree.
लेकिन प्रॉब्लम है कि रुद्र की पेट में कोई बात पचती नहीं है। रुद्र सुन रहा है ना? रुद्र 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 और चाचू मिले हैं, स्माइल। रुद्र हम यहाँ सीरियस बात डिस्कस कर रहे हैं, ओके? हेलो, हाय। और मैं यहाँ पे पता कर रहा हूँ कि ये बेबी किसका है। किस? अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो मैं पता चल जाता। देखो, अगर ये आपका बच्चा होता तो ये ऐसे जेस्चर करता, और अगर ये अजीब बातें करता तो इसका मतलब ये ओका बेबी था। पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा। आजकल के बच्चे भी ना कितना एटीट्यूड आ गया है। बेबी नहीं रोता, नहीं रोते नहीं। बताओ आपके पापा कौन है? कंजी आंखों वाले, लंबे बाल वाले? व्हाट नॉनसेंस रुद्र, ये मेरा बच्चा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे आपका नहीं है तो ओका होगा। नो, ओका। हाँ। मुझे लगता है ये तेरा बच्चा है। मेरा ही नहीं, इसके आज नहीं है। बकवास बंद करेगा। और जितने चांसेस है ना कि ये बच्चा शिवाय का है या मेरा है, उतने ही चांसेस है कि ये बच्चा तेरा है, समझा ना? इनफैक्ट ज्यादा शक है मुझे तुझ पे। एक सेकंड, वैसे थोड़ी देर पहले ऐसे ही बच्चा बहुत क्यूट 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 लग रहा था ना। क्यूट है इसलिए क्यूट लग रहा था। देखा कितनी इंटरेस्ट ले रहा है, शक पक्का हो रहा है मेरा। हाँ, वैसे भी हम में से ना केयरलेस तू ये इस नहीं करके, मतलब करेक्ट। मैंने क्यों, और क्यों नहीं? और यू नो हम तीनों में से केयरलेस तू ही है, तू ही। देखो मैं बताता हूँ निकल क्या सॉल्यूशन। बच्चा लग रहा है 9 महीने का, 9 और 9 18 18 महीने पहले रिधिमा के साथ थे। लिसन, हाँ मैं रिधिमा के साथ था, पर रिधिमा इंडिया में नहीं थी। हाउ इज इट पॉसिबल शिवाय, प्लीज एक्सप्लेन। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने आपको चैट करते देखा था। ओह अरे शिवाय, आपका बच्चा कितना हाईटेक है। शट अप रुद्र, एक तो बच्चे ऐसे होते नहीं है, और अगर हो भी जाते हैं तो ऐसा होता तो रिधिमा मुझे बताती थी। एक मिनट, ये बात तो तय है कि ये बच्चा तुम दोनों में से किसी एक का है। अच्छा, अजीब जबरदस्ती है इसका और मेरा, जरूरी आपका होगा। आपका है, आपका है। मेरा नहीं हो सकता। आंखें देखो, देखो आंखें, देखो देखो। कंची आंखें, बगल में बच्चे और सामने पापा। अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये छोटा शिवाय सिंह हो रहा है। ये मेरा बच्चा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। देखो भैया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, हमें सिर्फ 18 महीने पहले जाना है, और आपको बताना पड़ेगा उस रात आप किसके साथ थे। भैया सोचो, उस रात को घने जंगल के बीच में से आपकी गाड़ी जा रही थी, वो काली घनी रात, वो आपकी गाड़ी का हाई स्पीड से जाना, वो बारिश का गिरना, वो उस लड़की का दरवाजा खोलना और बाहर जाना, आपका उतरना, सामने होटल, होटल की लाल लाइट, वो कॉरिडोर से जाना, वो दरवाजे को खोलना, वो बत्ती का बुझाना, उसके बाद क्या हुआ था भैया याद करो। कुछ नहीं हुआ था यार, वो नथिंग। क्या बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ उस रात को। लकी शिवाय, क्या लकी है, उठो। हाँ मैं, लिसन गाइस, अगर हम यूं लड़ते रहे ना तो सलूशन नहीं निकलेगा। प्रॉब्लम है वो भी बहुत बड़ी वाली, लेकिन का वही तो पता लगाना है कि आखिर ये लोग हमसे छुपा क्या रहे हैं। फोन में क्या कर रहे हैं? मैं 18 महीने पुरानी वाली लिस्ट देख रहा हूँ, मैं किन किन लड़कियों के साथ था। हा? किसका बाप कौन है? एक ही रास्ता, दीवार, त्रिशूल, शहंशाह, डीएनए टेस्ट। डीएनए, ये कौन सी मूवी थी? एक ही टेस्ट है डीएनए, एक ही रास्ता है डीएनए टेस्ट। तो चलो चलते हैं। क्या मूवी के लिए डीएनए टेस्ट कराना? अरे हाँ यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो। कि मीडिया को अगर इस बात के बारे में पता चल गया ना तो जिस भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इट शुड बी अ सीक्रेट, ओके, हम तीनों के बीच में। अगर किसी ने इस बच्चे को प्लांट किया है तो वो तो मौका ढूंढ रहा होगा कि कब हम एक गलती करें और वो फायदा उठाए। ओ ये बेबी है, कैक्टस नहीं, कोई प्लांट करके जाएगा। शट अप रुद्र, पहले डॉक्टर को फोन करता हूँ, पता करता हूँ कि कौन सा सही डॉक्टर होगा जो डीएनए टेस्ट और रिपोर्ट सब कॉन्फिडेंशियल रखे। अच्छा, कितना टाइम लगता है रिपोर्ट आने में? मैं डॉक्टर हूँ, क्या लगता होगा? एक बड़ा वीक है केस। One week? Yeah, one week, man. One week? Chill, one week, yeah.
एक हफ्ते तक क्या करेंगे हम? ख्याल रखेंगे और क्या करेंगे? हाँ क्या रखेंगे, इतना आसान है ना, तुझे पता भी है बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है। ओ और ये डायलॉग मैंने ही तुझे सिखाया है रू। मैं आपको इतना कुछ सिखाता हूँ, मैंने कभी क्रेडिट लिया? चुप हो जा। ओके गाइस, ये इतना आसान नहीं है भैया, ये मुश्किल भी नहीं है। जरा देखो इस बच्चे को, ध्यान से देखो। नहीं, मैं नहीं। एक बार देखो। नहीं, मैं नहीं। जब से आया है चुप शांत, बिल्कुल अपने ओके जैसा बैठा हुआ है, रोया नहीं एक बार भी। आवाज ही नहीं आ रही। अब तक तो जेठ जी को आग बबूला होकर पूरे घर को सर पे उठा लेना चाहिए था। क्या कर क्या रहे हैं ये दोनों? आगे जेठ जी के मुंह पे तो 12 बजे हुए, लगता है बहुत कुछ हुआ है अंदर। रेडी हो जा पिंकी, अब तुझ पर सवाल शूट होने वाले हैं। Mansions not, पर किस लिए? For making me realize कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम पे भरोसा किया, लेकिन अब ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। जेठानी जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जेठ जी सच में होटल्स रॉयल स्टे में थे, गए थे, लेकिन श्वेतलाना से मिलने नहीं, मीटिंग के लिए, और उसी मीटिंग की वजह से वो एयरपोर्ट लेट पहुंचे। लेकिन तुमने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया और तेज के खिलाफ मेरे कान भरने लगे। मैं तो भूल ही गई थी कि जो औरत अपने बेटे का घर तोड़ सकती है, वो मेरा घर आबाद होते हुए कैसे देख सकती है। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ पिंकी, और बेकार की चाल चलना बंद कर दो, तुम हम सब की नजरों में और गिर जाओगी। ओ मैं माता, जेठ जी ने जिठानी जी को ऐसी क्या बूटी सुंघा दी जो ये उन्हीं की जबान बोल रही है। I'm sure, मेरा तेज अब बदल चुका है, इसलिए बेकार की मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दो पिंकी, और अपने क्रॉन से कम रखो। मैं झूठी नहीं हूं जेठानी जी, आप बेवकूफ हैं जो हर बार जेठ जी की बातों में आ जाती है। शक्ति जी भी अब इस घर में मुझे गलत समझते हैं ना, पर अपना सच मैं सबके सामने साबित करके रहूंगी। अगर जेठ जी शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूं। उनका काला चिट्टा सबके सामने लाकर ना रख दिया तो मेरा नाम पिंकी सिंह ओबेरॉय नहीं। चुप हो जा मेरे बाप, वो बच्चे को साइलेंट मोड में कैसे लाती है? अबे फोन थोड़ी ना है, बच्चा ही है, साइलेंट मोड नहीं होता उसमें। गाइस आई एम चेकिंग, बेबी को चुप कैसे कराते हैं? मैं चेक कर रहा हूं नेट बाद में देख लेना, पहले चुप करवा। गुड बॉय गुड गर्ल, तुम जो भी हो प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। ओके लिसन, स्विंग द बेबी। स्विंग द हैं भैया, कोई क्रिकेट बॉल थोड़ी है, स्विंग द बेबी क्या होता है? अरे झूला झुलाना है यार, झूला। झूला कैसे झुलाते हैं? ऊपर लेके जा फिर नीचे लेके आ। अच्छा क्या कर रहा है? अरे आप ही ने बोला ना, ऊपर जा फिर नीचे जा। अरे इसे झूला झुलाना नहीं, इसे एक्सरसाइज करना कहते हैं। झूला झुलाना मतलब फ्लो में, रिदम में। अरे भैया मुझे नहीं आता है झूला झुलाना। अरे मुझे नहीं आता, मैंने किसी बच्चे को झूला नहीं झुलाया पहले कभी। तू तो खुद तो झूला झूला है ना यार, व्हाट आर यू सेइंग मैन। हां ऐसे, हां लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट। अरे भैया अब तो आते तो आप झुला लो ना। मैं नेट पे हूं ना, नेट। ओ ओ आप पकड़ो यार। मैं ऐसे नहीं होने वाला ये। भैया मैं थक गया प्लीज। हां ये ऐसे ऐसे।
भैया क्या कर रहे हो आप? रिदम में चलाना है, रिदम में, भूल गए फ्लो के साथ। भैया चुप कराओ ना। बेबी लुक एट मी, मुझे देखो, मुझे देखो। हे बेबी, अब तुम्हें रुद्र चाचू अपना डांस दिखाएंगे। तैयार हो जाओ सारे के सारे। अरे सच में चुप हो गया? अरे नहीं नहीं रो 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 ओके ओके रुकिए डांस डांस। यार एक तो ये बच्चा अपने आप को मुगले आजम और तुझे अनारकली समझ रहे। नाच। कौन सा आजम कौन सी कली? नाचना यार। नाच तो रहा हूं, क्या करूं? क्या जल्दी नाच रहा है। वो भी मुचरे वाली की तरह। ओंकार और भैया भी नाच रहे हैं। क्या? सेम मुचरे वाली की तरह। ये हम वही बोल रहे हैं जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। तुम हटो, मुझे देखने दो। हाँ जी, ये तीनों तो ऐसे चिपड़ों की तरह नाच रहे हैं। ऐसे कितने लाची हो गए हैं? क्या हम अपने लिए डांस बार खोलेंगे? जी, कितने टूर पील हो गए यार। हो जाए, हम जरा हम देखें। हाँ और वो तीन बेबियां होंगी। थोड़ी कुछ वाह वाह गो चेक। नचनिया का रोल भी मैं प्ले करूं, दरबान का भी मैं करूं, मैं रुद्र सिंह उभरा था। मैं नहीं जा सकता हूं, शिवाय के पास बच्चा है और तेरी वाली बहुत इंटरोगेशन करती है यार। वही तो प्रॉब्लम है, वो पुलिस में है, मैं क्या करूं? जा जा। अब क्या हुआ? आप नाच क्यों रहे थे? Because I'm happy. और शिवाय ऐसे ऐसे झूल क्यों रहे थे? क्योंकि वो भी बहुत हैप्पी है। अच्छा ठीक है, दोनों हैप्पी है, पर ओंकार जी ऐसे 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 क्यों नाच रहे थे? अब दोनों भाई इतने हैप्पी हो तो तीसरे वाले को तो हैप्पी होना पड़ेगा ना। वो डबल हैप्पी हो गया। अब सच सच बताओ अंदर क्या हो रहा है? अभी वो बात ऐसी है कि क्या मैं ब्रो कोड नहीं तोड़ सकता भाभी, मैं आपको बात नहीं बता सकता, सॉरी। बता नहीं सकता मतलब बात ऐसी है जो बताई ना जा सके। लेकिन क्या? कितने सवाल करती हैं ये लड़कियां, स्पेशली तेरी वाली और मेरी वाले। हां मेरी एक्स। भैया भैया सो गया रख तो। कौन? मैं नहीं सोया। नहीं नहीं बच्चा सो गया, रख दे। सो गया मैं रखा।
डांस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।